हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे अभी हाल ही में जो हाई कोर्ट का आदेश आया है कि यूपी में वैकेंसी निकाली जाए, जो पद खाली हैं 27,713 कौन से पद हैं, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा इसमें से, यूपी टेट होगा या नहीं होगा, बीएड या बीटीसी वाले कौन भर पाएंगे, अन्य राज्य वाले भर पाएंगे या नहीं। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। और आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारी जो पहला पॉइंट है, पहली जानकारी हमारी है। अब बात की जाए यहाँ पर कितनी वैकेंसी जो है, कितनी वैकेंसी, कितने पदों पर फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, तो वैकेंसी जो है इसकी संख्या है, पदों की संख्या 27,713। तो पदों की संख्या कितनी है, 27,713 है। कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी बच्चा यूपी टेट या फिर सीटेट प्राइमरी लेवल का कभी भी पास किया है तो वह इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएगा। अब बात की जाए ये जो वैकेंसी निकली है तो ये पीआरटी की वैकेंसी, कौन सी वैकेंसी है, यह पीआरटी की वैकेंसी, प्राइमरी लेवल की वैकेंसी है। इसमें बीएड वाले जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बीएड वाले क्या है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अन्य राज्य वाले बात की जाए तो अन्य राज्य वाले व्यक्ति भी अप्लाई कर पाएंगे, जो शिक्षा मित्र हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे। अब बात की जाए सिलेबस किसकी, तो सिलेबस में देखो जो पहले का जो सिलेबस था उसी को पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा एक दो टॉपिक चेंज किए जाएंगे, सारा सिलेबस नहीं बदल दिया जाएगा। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की और इसमें अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। और कोर्ट ने कहा है कि 2 महीने के अंदर इसकी क्या है, भर्ती प्रक्रिया को पूरी करी जाए और नियुक्ति प्रदान किया जाए बच्चों को। अब बात की जाए वैकेंसी कौन सी है, बीएड वालों के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा यहाँ पे। और कौन सी वैकेंसी है जो 27,713, कोई नई वैकेंसी नहीं है। अब जो वैकेंसी निकली थी 68,500 वैकेंसी जो निकली थी 2018 में, तो उसमें से 41,556 कैंडिडेट ही केवल पास हुए थे और जो बाकी बची हुई वैकेंसी थी तो केवल वही वैकेंसी है, ये 27,713 पोस्ट जो खाली रह गई थी। तो हाई कोर्ट ने यही कहा है कि जो इतनी वैकेंसी खाली थी तो इसे आप लोगों ने क्यों नहीं भरा है। और जो 69,000 जो वैकेंसी निकली थी तो ये जो 27,713 वैकेंसी है ये इसमें काउंट नहीं की गई थी, ये वैकेंसी अलग थी। जो 69,000 वैकेंसी निकली थी ये अलग थी। तो जो 27,713 पोस्ट जो खाली रह गई थी पीआरटी की, तो बस यही वाली वैकेंसी वो है, वही वैकेंसी फिल की जा रही है और इसमें कोई भी नए पद नहीं ऐड किए जा रहे हैं। अभी सुनवाई नहीं है इसकी, बाद में ऐड कर दिए जाए वो बात की बात है। तो ये केवल पीआरटी की वैकेंसी है, पीआरटी की वैकेंसी है और इसमें से बीएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब देखो कब नियुक्ति पत्र मिलता है, कब इसका एग्ज़ाम होता है। अभी कोर्ट ने तो ये आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर जो है बच्चों को पेपर करवा के नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।